हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चल सरकारी नौकरी में। उनहत्तर शिक्षक भर्ती में आज हाईकोर्ट में उत्तर कुंजी मामले पर सुनवाई है। 154/20/2020 ये याचिका नंबर है। माननीय पंकज जायसवाल जी, माननीय कर्णोज प्रभात जी की बेंच में कोड नंबर 1 पे 39 नंबर पर मामला लिस्टेड है। आज मामला ये सुना जाएगा। दोपहर बाद तक मामले की सुनवाई होनी सुनिश्चित है। हो सकता है कि मामला 2 बजे के आसपास तक सुना जाए। जैसे कुछ अपडेट आता है आपको बता दिया जाएगा। बात कर रहे हैं, न्यूज़ है शिक्षा मित्रों के लिए। शिक्षा मित्रों ने जब आवेदन फॉर्म भरा था उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती का, उस समय उनसे शिक्षा मित्र वाला कालम छूट गया था या गलती से उन्होंने उसको टिक नहीं किया था, जिसको लेकर के उन्होंने याचिका डाला था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिससे अभ्यर्थियों को, जो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं, उनको आदेश दिया गया है। उनको काफ़ी सफलता मिली है उनकी याचिका पर और उनके त्रुटि सुधार करने संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही वे लोग भी उस भारांक का लाभ उठा सकेंगे जो अन्य शिक्षा मित्र उठा रहे हैं। और वहीं जो प्रदेश भर में एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4500 पद लगभग खाली हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि 3900 सीटों पर वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अभी तक मात्र 1303 पदों का अध्याचन भेजा गया है। यानी कि वैकेंसी 4500 से घट करके 1303 पर आके रुकी हुई है। फिर भी वैकेंसी निकाली नहीं जा रही है। 2019 की चलिए वैकेंसी है, 2020 पार होने को है। देखना है वैकेंसी कब तक आती है। इसको लेकर के अभ्यर्थी अभी से हाईकोर्ट का चक्कर लगाना चाह रहे हैं। अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि सीधे कोर्ट जाएँ और वहाँ से इस वैकेंसी को मंगाएँ, क्योंकि अभ्यर्थी जब कहीं फंस जाते हैं, जैसे कहीं परीक्षा में नकल हो गया, आंसर की संबंधित प्रॉब्लम हो गया, तब हाई कोर्ट जाते हैं। अभी तो वैकेंसी निकलवाने के लिए ही कोर्ट जाना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति सरकार अभ्यर्थियों के सामने ला दी है। बात करें अनुदेशकों की, तो जो अनुदेशक, जहाँ पर अनुदेशकों की संख्या छात्रों की संख्या से ज़्यादा है, यानी कि 100 छात्र से जहाँ पर कम होंगे वहाँ से अनुदेशकों को हटाए जाने का प्लान किया है सरकार ने, और उनका मानदेय अगर आप सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वहाँ पर मानदेय उन लोगों को चतुर्थ श्रेणी यानी कि फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों से भी कम उनको सैलरी दी जा रही है, जिसे 7000 रुपये मानदेय के नाम से जाना जाता है। 7000 रुपये केवल उनकी जो मानदेय है वो दी जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थी सीधे गए इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहाँ से ये जाँच की गई, पता लगाया गया कि अनुदेशकों को इस तरह वहाँ से हटाया जा रहा है, तो वहाँ पर रोक लगाया गया है कि उनको ना हटाया जाए, और साथ ही मानदेय पर सवाल जवाब किया गया है सरकार से। जल्द ही उसका भी कुछ ना कुछ फैसला आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर सब लोग मिलजुल के नहीं रहे तो एक दिन पूरा क्या पूरा भारत बिक जाएगा। भारत के अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट बिक रहे हैं, यानी कि निजीकरण के हाथ जा रहे हैं। तो अब बारी आ गई है LIC की। LIC में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लाईज एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा है। काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हैं हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के मांग कर रहे हैं कि हमें बेचा ना जाए। LIC इतनी बड़ी संस्था जो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी खुद अपने जीवन को नहीं बचा पा रही है, तो ऐसे में काफ़ी विरोध प्रदर्शन लगे हुए हैं। काफ़ी सारे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना होगा कि ये बिक पाता है कि नहीं फिलहाल, क्योंकि सरकार का पूरा मंशा है कि पूरी तरह से इसे निजीकरण के हाथ में सौंप दिया जाए। आप समझ सकते हैं अगर प्राइवेट के हाथ जाएगा तो क्या होगा। आपको बताया था कि PCS यानी कि UPSC वाले अभ्यर्थियों के ऊपर अब गाज गिर गई है, यानी कि जैसे वैकेंसी हो रही है तो उसको रोक दिया जाए। ये आइडिया समझ में आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब जो भर्ती हो गए उनको कैसे निकाला जाए, तो सबको निकालते निकालते थक गए, बेचते बेचते थक गए, तो बारी आ गई PCS वाले जो कर्मचारी हैं, जो जगह जगह SDM हैं, अन्य पदों पर तैनात हैं, उनको निकालने की बारी आई। एक SDM से पूछताछ जारी है, साथ ही सबके ऊपर सख्त हुई घूम रही है। CBI जांच कर रही है, नोटिस देके सबको बुला रही है। अब लोग जॉब करें, अपना क्षेत्र देखें कि CBI का जवाब दयोग से करना चाहिए। वह सवाल जवाब अभ्यर्थियों से किया जा रहा है, यानी PCS के उन अधिकारियों से किया जा रहा है जो इस समय कहीं ना कहीं तैनात हैं। वो अपना क्षेत्र देखें कि जवाब दें इनका, क्योंकि उनका तो मात्र काम था परीक्षा देना, वो परीक्षा दे के निकल गए। और जो संस्थाएं परीक्षा कराती हैं वह पूरी तरह से जिम्मेदार होती हैं। अगर किसी तरह की अनियमितताएं परीक्षाएं में होती हैं तो इसके लिए सारा जिम्मेदार आयोग है। आयोग से कड़ी पूछताछ करके आयोग को एक तरह से भ्रष्ट कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, दूसरा नया आयोग बनाना चाहिए। आपने कभी सुना होगा क्या IAS की परीक्षा में कभी पेपर लीक हो गया? नहीं होता है। यानी कि जो भी परीक्षाएं हैं या तो UPSC को दे देनी चाहिए, या तो वो अन्य संस्थाएं जो परीक्षा कराती हैं और किसी तरह की कोई इस तरह की पुष्टि नहीं होती है कि जिसमें संलिप्तता किसी के पाई जाए,
तो इस तरह का कुछ काम करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट और उनके जो नुमाइंदे हैं इस तरह का काम नहीं करते हैं जानबूझकर के। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।